इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप पोको C31 वाले फोन में नोटिफिकेशन बैच को कैसे बंद कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बैच का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको जिस ऐप से जितना भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है तो आप देखते होंगे कि उस ऐप पर उसका नंबर शो कर जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मैं मैसेज ऐप से 12 नोटिफिकेशन आ चुका है तो यहाँ 12 शो कर रहा है। तो अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और इसी को कहा जाता है नोटिफिकेशन बैच। तो बंद करने के लिए देखिए आपको अपने पोको C31 वाले फोन के सेटिंग में जाना है। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशंस का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा बैच का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके फ़ोन में जितने भी ऐप होंगे तो वो सारे ऐप आ जाएंगे। जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन बैच बंद करना है उस ऐप के सामने वाले सेटिंग को यहाँ पर क्लिक करके बंद कर देंगे। तो आप जिस भी ऐप का बंद कर देंगे उस ऐप का नोटिफिकेशन बैच बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको बंद नोटिफिकेशन बैच को चालू करना है तब आप अपने फ़ोन में सबसे नीचे आएंगे। सबसे नीचे आने पर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन बैच अरेंट अलाउ में वो सारे ऐप मिल जाएंगे जिसका आपने नोटिफिकेशन बैच बंद कर रखा होगा। तो जिस भी ऐप का ऑन करना है उस ऐप के सामने वाले सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो उस ऐप का नोटिफिकेशन बैच फिर ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पोको C31 वाले फोन में नोटिफिकेशन बैच को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।